पहले चरस, गांजे और ड्रग्स में डूबी परियों का एनसीबी ने फोन जब्त कर लिया। अब एनसीबी इस केस की जांच में इन एक्ट्रेसेस की फाइनेंशियल रिकॉर्ड को भी खंगाले। 3 साल के भीतर इनके क्रेडिट कार्ड से किस किस को पेमेंट हुए, डेबिट कार्ड से कहां कहां पैसे गए, ये सब कुछ खंगालने की तैयारी चल रही है ताकि ये पता किया जा सके कि कहीं ये पैसे ड्रग पैडलर्स को तो नहीं गए। खबर है कि एनसीबी रकुलप्रीत, दीपिका, सारा और श्रद्धा के बैंक अकाउंट्स डिटेल को खंगालेगी और जानने की कोशिश करेगी कि कहीं इन्होंने ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं किया है। वैसे आपको ये भी बता दें कि एनसीबी बॉलीवुड में फैले ड्रग्स की जांच में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के स्टाफ सैमुअल, दीपेश सावंत और धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद सहित कई लोगों को अब तक हिरासत में ले चुकी है। इनके अलावा एनसीबी ने सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी, जया साहा और क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव चिटगोपकर से भी पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद कई सेलिब्रिटीज की नींद उड़ गई है। ड्रग पैडलिंग के आरोप में अब तक 18 लोग से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं और इन लोगों ने जो राज एनसीबी के सामने उगले हैं उसमें 50 बॉलीवुड सेलेब्स के नाम शामिल हैं। इनमें से कई बड़े एक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर शामिल हैं। बॉलीवुड के ड्रग रैकेट में एनसीबी के रडार पर कई बी ग्रेड फिल्मों से जुड़े लोग हैं। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क है और ये तादाद 50 से अधिक हो सकती है। कई एक्टर, एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर्स ऐसे भी हैं जो ए लिस्ट में आते हैं। अब एनसीबी उनसे भी पूछताछ करने की तैयारी में। मुंबई पहुंचकर एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना ने करीब 5 घंटे तक अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद एनसीबी प्रमुख ने जांच टीम से कहा कि 6 महीने के अंदर ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल करनी है। खबर है कि अगले 48 घंटों के भीतर फिल्मी जगत के कई और बड़ी हस्तियों को एनसीबी समन भेजने की तैयारी कर रही है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।